फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगेन फिर से आज आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपके लिए 2 BHK का फ्लैट लेके आई हूँ जो ए ब्लॉक के अंदर है, मोहन गार्डन में है। मेट्रो से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर्स की दूरी पे है। अगर मैं बात करूँ सोसाइटी की, तो आप देख सकते हैं 30 से 40 फुटा रोड है ये हाउस ऑर्डर का। ये टू साइड्स रोड है, वन इज़ दिस वन एंड सेकेंड इज़ दिस वन। सो नाउ दिस इज़ द बिल्डिंग, बेसिकली A59 बिल्डिंग का नंबर है। इस इन मोहन गार्डन ए ब्लॉक के अंदर है, काफ़ी रिचर कॉलोनी में है। सो नाउ अब हम चलते हैं अपने ओवरव्यू के लिए। सो दिस इज़ अ पार्किंग एरिया जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। अगर मैं बात करूँ, ये 200 गज की पार्किंग है कार्स के लिए। आप देख सकते हैं ये आपके मीटर्स ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और इस तरफ भी मीटर्स हैं। CCTV कैमरा ऑलरेडी अवेलेबल है नीचे पार्किंग में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा अवेलेबल है, जो भी आपकी बिल्डिंग में आएगा वो सब कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा। तो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर कैमरा फैसिलिटीज़ है, आप टोटली तरफ से सिक्योर्ड हो। अब हम चलते हैं स्टेज एरिया में कि आपका स्टेज एरिया किस। सो दिस इज़ अ स्टेज, ये स्टेज एरिया है, ये आपका मोटर जार प्लेस है। ये जो है ये मोटर जार है, यहाँ पर आपके पूरे मोटर्स और वाटर टैपिंग का जो मीठा पानी है उसकी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। ये है मेरी लिफ्ट। तो ये जो फ्लोर जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये अपर ग्राउंड में है। तो चलिए चलते हैं लिफ्ट से। दिस इज़ अ लिफ्ट। अगर मैं बात करूँ लाइट्स की, तो ये लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। तो आइए कैमरामैन। सो मैं अपने फ्लोर में पहुँच चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आउटसाइडर गेट दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा स्टील आयरन गेट। तो कैमरामैन प्लीज़ आप आइए अंदर।
ये है आपका टेलीफोनिक फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, ये आपका टेलीफोनिक ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इट्स अ की ऑफ योर लॉकिंग ऑफ गेट। अगर मैं डोर डिज़ाइन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी रिसेंट ऑफ डोर एंड ये लॉकिंग सिस्टम टोटली लेटेस्ट है। तो ये जो मेरा एरिया है दिस इज़ अ लिविंग एरिया। अगर मैं बात करूँ फ्लोरिंग की तो सबसे पहले मैं आपको फ्लोरिंग दिखाना चाहती हूँ। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं ग्रेनाइट स्टोन से फ्लोरिंग है, ग्रेनाइट का पत्थर लगा है, यहाँ पे कोई टाइल्स नहीं लगी। अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ तो आप प्लीज़ फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखिए। यहाँ पे आपका जो सोफ़ा है एटलीस्ट 15 सीटर्स का आ सकता है, इस तरीके से लंबा सोफ़ा। आप सेंटर पे टेबल लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ वॉलपेपर के डिज़ाइन की तो आप वॉलपेपर डिज़ाइन देखिए, इससे लिए वेरी डिसेंट वॉलपेपर। विंग्स का डिज़ाइन है इसमें, जो मोर का पंख होता है उसके डिज़ाइन का ये वॉलपेपर है। स्प्लिट एसी की ऑलरेडी फिटिंग करके दे रही हूँ वायर्स की, तो ये बहुत अच्छा पीओपी के थ्रू ऑलरेडी हमने एलईडी पैनल टाइप लगाया। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे एक वॉलपेपर भी लगा दूंगी, इस डिपेंड ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप कोई पेंट कहेंगे तो मैं पेंट भी करवा दूंगी, इस डिपेंड ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। सो अगर मैं बात करूँ वेंटिलेशन के लिए तो मैंने यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो दी है। दिस इज़ अ विंडो ऑफ ग्लास जो ये ग्लास डोर की विंडो है, ये शाफ्ट है आप देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव इट टू आ किचन एरिया। और अगर मैं बात करूँ इस फ्लोरिंग की डिज़ाइन की तो सीरियसली फ्रेंड्स ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये मेरी लॉबी है, लॉबी में आप किस तरीके से इस लॉबी को सजा सकते हैं ये मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो नाउ आई एम गोइंग टू एंटर टू माई किचन एरिया। तो ये है मेरी किचन, ये है आपका मोटर का बटन। सो दिस इज़ योर किचन। अगर मैं बात करूँ इट्स अ टोटली मॉडर्न किचन, चिमनी ऑलरेडी मैं लगा के दे रही हूँ, यू कैन जस्ट सी दिस इज़ योर फर्स्ट ड्रॉअर। ग्रेनाइट का स्टोन है आपके स्लैब पे, होल ऑलरेडी अवेलेबल है, आप अपना यहाँ पे माइक्रोवेव रख सकते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट ड्रॉअर, दिस इज़ योर सेकेंड ड्रॉअर। अगर मैं बात करूँ विंडो की तो आपको एक विंडो भी ऑलरेडी दी हुई है। चिमनी की फिटिंग ऑलरेडी आप देख सकते हैं आउटसाइडर पे है, यहाँ पे आप अपना गीजर या आरओ फिटेड कर सकते हैं। इट्स अ टोटली मॉडर्न किचन। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ सिमिलर ड्राइंग रूम की तरह फ्लोरिंग है, पूरे घर में ग्रेनाइट का स्टोन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई टाइल्स नहीं है। तो फ्रेंड्स होप फॉर द बेस्ट कि आपको ये मेरा फ्लोर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लॉबी के साथ है। आप यहाँ पे चाहे तो अपनी सीनरीज लगा सकते हैं, इस वॉल को और ज़्यादा ब्यूटीफुल कर सकते हैं सीनरीज के थ्रू या ग्रीन कार्पेट्स के थ्रू जो आजकल चल रही है, ग्रीन कार्पेट्स टाइप जो फ्लोरिंग जो होती है जो आप पूरे वॉल पर लगाएंगे, जैसे ग्रासिंग कर रखी है आपने वॉल में। तो नाउ आई एम गोइंग टू एंटर टू माई फर्स्ट बेडरूम। सो दिस इज़ फर्स्ट बेडरूम, इसके अंदर का मैं फैसिलिटीज आपको दे रही हूँ, जो आपको लगा के दे रही हूँ, अलमीरा लगा के दे रही हूँ। तो ये है मेरी अलमीरा, बहुत ज़्यादा स्पेशियस अलमीरा है, ह्यूज स्पेस में है। शू रैकिंग ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, दिस इज योर शू रैकिंग, ऊपर का आप देख सकते हैं इस तरीके से। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी मैंने जो फ्लोरिंग हुई हुई है इस बेडरूम में वो क्रीमिश शेड में है, ग्रेनाइट टाइल्स के साथ है। वॉलपेपर आप देख सकते हैं क्रीमिश स्ट्रक्चर में, इट्स अ वेरी डिसेंट एंड स्प्लिट एसी के लिए पावर बैकअप ऑलरेडी यहाँ पे वायर फिटेड है। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग। अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो ये है आपकी विंडो फॉर द वेंटिलेशन फॉर द शाफ्टिंग। डोर डिज़ाइन की बात करूँ तो पूरे घर में सिमिलर डोर डिज़ाइंस हैं, स्प्लिट एसी के लिए ऑलरेडी स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं, एमसीबी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम में, उससे पहले हम चल रहे हैं अपने कॉमन वॉशरूम के अंदर। सो दिस इज़ आवर कॉमन वॉशरूम, आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज स्पेशियस कॉमन वॉशरूम है। कैमरामैन इनको दिखाइए, वॉश बेसिन यू कैन सी, पॉटिंग ईच एंड एवरीथिंग, इट्स अ ह्यूज स्पेस ऑफ स्पेशियस वॉशरूम। अंदर आपके वेंटिलेशन के लिए शाफ्टिंग दे रखा है, विंडो है, आप एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। गीज़र अभी फिटेड नहीं है, जब आप इसको बुकिंग करेंगे तो इस रिक्वायरमेंट ऑफ योर्स तो वील प्रोवाइड यू द गीज़र ऑल्सो। सो नाउ आई एम एंटरिंग टू माई सेकेंड बेडरूम। अगर मैं बात करूँ वॉल पेपर की तो चेरी कलर का वॉल पेपर है यहाँ पे, फ्लावरिंग का है। एक और आपको अलमीरा दी जा रही है यहाँ पे, वी आर गिविंग यू वन मोर अलमीरा, इज अ वेरी स्पेशियस, शू रैकिंग के साथ, ग्राउंड टू टॉप। सो अगर मैं बात करूँ फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की तो आप देखिए इसे वेरी ब्यूटीफुल एंड डिसेंट डिज़ाइन। एलईडी पैनल्स मैंने दोनों बेडरूम्स में नहीं दिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके ऑर्डर पे आपके डिज़ाइंस पे दूंगी। बिकॉज ऑफ द मेन थिंग इज दिस की चॉइस आपका होता है कि आप बैट किस तरफ कर रहे हैं, कौन सी दिशा में कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न थोड़ा सा कुछ फ्लोर्स के अंदर मैं एलईडी पैनल्स को होल्ड पे डाल देती हूँ एंड काफ़ी वॉलपेपर्स भी होल्ड पे डाल रही हूँ। बिकॉज व्हेन यू कमिंग टू बुक आवर फ्लो तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि क्यों ना आप ही की चॉइस के मैं आपको वॉलपेपर्स दूँ। सो दिस इज़ अ विंडो, यू कैन सी दो विंडोज़ हैं, एसी आप यहाँ पे पुट ओवर कर सकते हैं। ये आपकी बालकनी है,
दिस इज़ अ बालकनी, ये है आपकी बालकनी, आप यहाँ पे अपने कपड़ों को धो सकते हैं और यहाँ पे आप इजीली सुखा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आउटसाइडर की तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा आउटसाइडर व्यू है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड ऑफ माई वीडियो। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अब मैं आपका इसका रेट ऑफ कॉस्ट बताना चाहती हूँ और क्या ऑफ़र दे रही हूँ, डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो फ्रेंड्स, टाइम आ चुका है इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले। नया साल को सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, टुडे इज 29 एंड कल 30 देन 31st। एंड दिस इज़ रियली ट्रू, जो हमारा कोरोना का टाइम था, ऑफकोर्स हर वीडियोस में बोलती हूँ, बहुत कुछ यादगार रहा, बहुत कुछ ऐसी बातें यादगार रहेंगी हमारी लाइफ की, हमारी ज़िंदगी का। ऑफकोर्स ये बात है मेरी लाइफ का खुद प्रैक्टिकल जो लाइफ है, अब तक की एज में मैंने ऐसा बुरा टाइम कभी नहीं देखा। और मैं भगवान के आगे प्रेयर करूँगी कि हमारी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा साल द्वारा कभी ना आए जिसमें हम लोगों ने अपनी फैमिलीज को मिस किया, काफ़ी लोगों को खोया, काफ़ी अपनों को मिस किया, काफ़ी दुख देखे, काफ़ी बैड टाइम था जो ये हमारा 2020 जो हमारी लाइफ में चला था। तो अब आने वाला है 2021। सो नाउ द टाइम, जो आपने काम पहले नहीं किया वो आप अब कीजिए प्लीज़। जो आपने अभी तक, जो आपके सपने थे, जो अभी तक पेंडिंग चल रहे थे, जो भगवान ने हम लोग को नई लाइफ दी है, तो क्यों ना हम इस आने वाले टाइम में उस सपने को साकार करें। और दिस इज़ रियली ट्रू, हर सपने का, सिर्फ हर इंसान का एक ही सपना होता है, वो होता है अपना घर। अगर मैं बात करूँ इस फ्लोरिंग की, जो आपको मैं फैसिलिटीज़ इस फ्लोर में दे रही हूँ, लिफ्ट दे रही हूँ, कार पार्किंग दे रही हूँ, एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये जो हमारी बिल्डिंग है, ये ए ब्लॉक के अंदर है, रिचर कॉलोनी के अंदर है, 100 meters की दूरी पे है मेट्रो से। अगर आप इस बिल्डिंग में आते हैं तो आपको दूर से ही आपका मेट्रो दिख जाएगा, 100 meters की दूरी पे है। अगर मैं बात करूँ बुकिंग अमाउंट की, तो ओनली 21,000 rupees इज़ अ बुकिंग अमाउंट। न्यू ईयर का बहुत अच्छा ऑफर दे रही हूँ। कॉस्ट ऑफ रेट जो फ्लोर का है 33 lakhs है। ऑन टेबल वी डिस्कस हाउ मच वी कैन गिव यू अ डिस्काउंट। और ऑफकोर्स ये बात है 1 lakh का इसमें बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर को जाने मत दीजिए। रोशनी मैम को कॉल कीजिए 8594333 में मुझे कॉल कीजिए और अपने इस घर को बुक कीजिए और नए साल में अपने घर में गृह प्रवेश कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑलवेज।